गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं डॉक्टर प्रेमिता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के टीचिंग सब्जेक्ट पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस में ई शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ की स्टडी करेंगे। ये क्वेश्चन पेपर एमएलएसयू एग्ज़ाम में 2018 में पूछा गया, जिसका व्यू आपके सामने है। ये क्वेश्चन पार्ट सी में पूछा गया, जिसमें विचारों के ई शेयरिंग पर विस्तार से टिप्पणी कीजिए। Write a डिटेल नोट ऑन ई शेयरिंग आइडियाज़। अतः आज हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। 21वीं शताब्दी सूचना और संप्रेषण तकनीकी का युग है। इस युग में मानव जीवन के विकास में कई संसाधनों का उपयोग कर एक लग्जरी लाइफ प्रदान की है, जिसमें मानव जीवन ने आरामदायक जीवन जीने के साथ साथ अपने विचारों को समस्त दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी अनेक संसाधनों का विकास किया है, जिसमें मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, टैबलेट इत्यादि ऐसे कई साधन हैं, जिससे व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर कुछ सेकंडों में ही अपने विचारों को तीव्र गति से पहुंचा सकता है, जिससे वह अपने विचारों को सामने वालों तक पहुंचा सके, साथ ही उन विचारों के उत्तर भी वह कुछ सेकंडों में ही प्राप्त कर सकता है। आज सामाजिक विज्ञान विषय में कई ऑनलाइन माध्यमों का उपयोग किया जा रहा है। ऑनलाइन माध्यमों के अंतर्गत व्यक्ति एक स्थान पर बैठे हुए कई किलोमीटर दूर व्यक्ति के पास अपने विचारों को ऑनलाइन माध्यमों से प्रकट करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। इसमें ऑनलाइन शेयरिंग आइडियाज़ के अंतर्गत हम अपने विचारों का तीन तरह से एक्सचेंज कर सकते हैं, जिसमें पहला है कंप्यूटर द्वारा चैटिंग, अर्थात कंप्यूटर के माध्यम से हम अपनी कनेक्टिविटी दूसरे व्यक्ति के पास भी, उसके लिए कंप्यूटर होना चाहिए, तो कंप्यूटर के माध्यम से हम वार्तालाप करके अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट तथा ईमेल का उपयोग। इसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत हम इंटरनेट और ईमेल का उपयोग किस प्रकार से कर सकते हैं, इसका विवरण हम आगे करेंगे। तीसरा इसमें विकल्प है विषय विशेषज्ञों के साथ अपने डाउट्स को क्लियर करना और अपने शंकाओं का समाधान करते हुए नवीन आइडियाज़ को प्राप्त करना, और इसके लिए भी हमें ऑनलाइन वार्ता या ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग आना चाहिए। इसमें फर्स्ट है कंप्यूटर द्वारा चैटिंग, अर्थात कंप्यूटर द्वारा वार्तालाप। इसके लिए कंप्यूटर और स्मार्टफोन दोनों का यूज़ किया जा सकता है। आजकल वीडियो कॉल्स की एक परंपरा बहुत तीव्र गति से समाज में चल रही है। इसके माध्यम से भी हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं, जिसमें शिक्षक के पास स्टूडेंट अपना क्वेश्चन सेंड करता है और विद्यार्थी शिक्षक के द्वारा बताए गए उत्तर को प्राप्त करता है या सुनता है। इसमें ऑनलाइन चैटिंग के दौरान समय भी बहुत कम लगता है और स्टूडेंट कभी कभी अपनी क्वेश्चन को टाइप करके भी भेज सकता है। इसके लिए स्टूडेंट को कई ब्राउज़र का ज्ञान होना भी आवश्यक है, जिसमें गूगल, याहू, मैसेंजर, ये इतने सोर्सेज हैं या इतने मीडियम्स हैं जिसके माध्यम से ऑनलाइन चैटिंग की जा सकती है। साथ में ऑनलाइन चैटिंग का स्वरूप व्यक्तिगत भी होता है और सामूहिक भी होता है, जिसमें एक व्यक्ति भी शिक्षक से अपनी चैटिंग कर सकता है और शिक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई स्टूडेंट को सामूहिक चैटिंग करके उनकी विषय से संबंधित शंकाओं का समाधान भी कर सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम स्टूडेंट के हाव भाव और उनके आंगिक प्रदर्शन यानी बॉडी लैंग्वेज को भी समझ करके उनके अंदर उन्हें क्या चीज़ शिक्षण के दौरान समझ में नहीं आ रही है, यह भी पता लगा सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन चैटिंग के लिए कई उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जिसमें इंस्टेंट मैसेंजर्स, इंटरनेट रीप्ले, MUDL कई संसाधन है जिसका उपयोग करके हम ऑनलाइन चैटिंग कर सकते हैं। अब इस ऑनलाइन चैटिंग के क्या क्या लाभ हैं, इसमें स्टूडेंट और टीचर दोनों को कंप्यूटर के उपयोग का ज्ञान होता है और वह भावी
और किस तरह से अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को सुधार सकते हैं और कौन कौन से वो लेटेस्ट इंटरनेट यूजेस करके अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावी बना सकते हैं, इसकी जानकारी भी उन्हें प्राप्त होती है। इसमें केवल शिक्षक के पास कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, वह स्टूडेंट्स के पास भी, इसके अलावा और किसी धन की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती। साथ ही ऑनलाइन चैटिंग व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होती है। इसमें बालकों को जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ना कर सके तो ऑडियो के माध्यम से और टाइप करके भी अपने क्वेश्चन को शिक्षक के सामने रख सकता है। साथ ही वह अपने लिखित और मौखिक दोनों रूपों से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकता है। और चूंकि ये ऑनलाइन चैटिंग को रिकॉर्ड भी किया जा सकता है तो हमारे द्वारा की गई वार्ताओं को लंबे समय तक हम सुरक्षित भी कर सकते हैं। साथ में हमारी इस वार्ताओं में हम देश के ही नहीं बल्कि विदेश के विषय विशेषज्ञों से भी वार्तालाप करके उनकी उपयोगी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें दूरी, स्थान और समय का ज़्यादा महत्व नहीं होता, बस कुछ सेकंडों में ही हम अपनी ऑनलाइन चैटिंग के माध्यम से अपने विषय से संबंधित गहनतम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ऑनलाइन आइडिया शेयरिंग का सेकंड पार्ट है, जिसमें विषय विशेषज्ञों के साथ ऑनलाइन वार्ता द्वारा संदेहों का स्पष्टीकरण, यानी हमारे विषय से संबंधित हमें जो भी डाउट्स हैं हम उनको क्लियर करने के लिए भी ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करते हैं। और इन ऑनलाइन संसाधनों के माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में कई विषय विशेषज्ञ, जो मनोविज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हो, समाज विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित हो और चाहे वह शिक्षा शास्त्री हो, उनके उपयोगी और महत्वपूर्ण विषय से संबंधित जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल इत्यादि के माध्यम से हम अपने डाउट्स को विषय विशेषज्ञों के सामने रखते हैं और विशेष विशेषज्ञ उन शंकाओं का समाधान भी इन ऑनलाइन रिसोर्सेज के द्वारा हमें प्राप्त कराते हैं। और इसके कई माध्यम हैं जिसमें हम ईमेल का प्रयोग कर सकते हैं, फेसबुक का प्रयोग कर सकते हैं, आजकल व्हाट्सएप का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है, साथ ही हम फ़ोन कॉल कर सकते हैं और वीडियो चैटिंग के माध्यम से हम हमारे विषय के संबंध में जो भी डाउट्स हमारे मन में उत्पन्न हो रहे हैं उनकी शंकाओं का समाधान हम कर सकते हैं। इसके कई लाभ हैं और आवश्यकता के संदर्भ में भी हम इन बातों को ही रख सकते हैं। इसमें पहला है कि विद्यार्थी अपनी समस्याओं का समाधान करता है जो उसके विषय से संबंधित होती है और साथ ही अधिगम के प्रति उसके सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है। इसमें अन्य लाभ है कि एक ही विषय के संदर्भ में अनेक विषय विशेषज्ञ उपलब्ध होते हैं, हमें पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर के किसी भी विषय विशेषज्ञ के अनुभवों का लाभ उठाकर हम अपने अधिगम को बढ़ा सकते हैं, साथ ही हमारी शंकाओं को भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके द्वारा जब हम किसी स्पेशलिस्ट से, जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट होता है, उससे बात करते हैं तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, हमें गौरवान्वित की अनुभूति भी होती है और जिस डाउट्स को हम क्लियर करना चाहते हैं उस विषय से संबंधित हमें संतुष्टि भी प्राप्त होती है। इसके पश्चात स्पेशलिस्ट द्वारा जो भी हमें ओपिनियन दिया गया है या जो भी हमें सलाह दी गई है या कंटेंट की नॉलेज दी गई है वह पूरी रिलायबल होती है, साथ में ऑथेंटिक होती है, क्योंकि वह जो भी राय देते हैं वो पर्टिकुलर बुक के द्वारा या रेफरेंस बुक के माध्यम से या अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के माध्यम से ऑथेंटिक होती है। और इस डाउट्स के अंदर हम वैश्विक नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के विषय विशेषज्ञों का भी चुनाव करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। इसमें विषय से संबंधित हमें नवीन जानकारी प्राप्त होती है और हमारी शंकाओं का समाधान होने पर हमें संतुष्टि की अनुभूति भी होती है। ऑनलाइन वार्ता के द्वारा बालकों के सर्वांगीण विकास का मार्ग भी प्रशस्त होता है, क्योंकि वे अपने कई विषयों से संबंधित जानकारियों का प्राप्त करके अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है। इसके बाद उसे रुचि अधिगम में रुचि उत्पन्न होती है। साथ ही बालकों में डिस्टेंस मोड से हम जो एजुकेशन प्राप्त करते हैं उसके तरीके का भी पता चलता है और उसके बेनिफिट्स के द्वारा वह उन ऐसी इंस्टीट्यूशंस, ऐसी यूनिवर्सिटी से कनेक्शन कर सकता है और अपनी शिक्षा को आगे जारी रख सकता है। इसका थर्ड पार्ट है, जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इंटरनेट और ईमेल का उपयोग हम किस प्रकार से करके अपने ऑनलाइन विचारों को शेयरिंग कर सकते हैं। इसमें
व्यक्ति जब ईमेल की बात होती है तो नेचुरल है हम लिखित टेक्स्ट का ही उपयोग कर अपने विचारों को सामने विषय विशेषज्ञों के पास रख सकते हैं। और इंटरनेट की जब बात होती है तो इंटरनेट एक सूचनाओं का भंडार है जिसमें अनेक प्रकार की अनेक विषयों से संबंधित सूचनाएं अवेलेबल है। अब हमारी शंकाओं हमारी रुचियों के आधार पर विषयों तथा हमारी आवश्यकता के अनुरूप हम इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री का या साहित्यों का या रेफरेंस बुक का या जो भी रिसर्च आर्टिकल्स हैं जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करेंगे उनका उपयोग कर हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बना सकते हैं। यह भी व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों होती है। और इसके साथ ही इंटरनेट का जब हम यूज़ करते हैं तो हमें विभिन्न वेबसाइट्स का यूज़ करने का तरीका पता चलता है, साथ ही जो उपयोगी वेबसाइट्स हैं उनकी भी जानकारी हमें प्राप्त होती है जो हमारे विषय में हमारे उपयोगी सामग्री हमें प्रदान करेगी। इस प्रकार यह व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों प्रकार से हम हमारे लिए उपयोगी है। और व्यक्ति शिक्षकों के द्वारा दिए गए उत्तर शिक्षक मेल मर्ज के ऑप्शन द्वारा एक व्यक्ति ही नहीं बल्कि कई व्यक्तियों तक अपने आंसर्स या उपयोगी जानकारी को पहुंचा सकता है। साथ में इंटरनेट का उपयोग करने पर हमें बहुत सारी वेबसाइट्स की जानकारी मिलती है जो हमारे विषय से संबंधित हमें उपयोगी सामग्री और सूचनाएँ प्रदान करती है। इंटरनेट ज्ञान का भंडार है और इसका उपयोग करके व्यक्ति अपने स्वाध्याय की ये प्रेरित होता है और स्वयं अपने विषय से संबंधित विषय वस्तु को इंटरनेट पर खोज सकता है और अपने अधिगम को कंटिन्यू रख सकता है। आज का होमवर्क है कि विचारों के ई विनिमय का उपयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार से कर सकते हैं, उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। और आशा करती हूँ कि ऑनलाइन शेयरिंग से रिलेटेड जो भी मैटर है आपके लिए उपयोगी होगा और ये लेक्चर भी आपके लिए उपयोगी है। और थैंक यू।